بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. جزاك الله. नबी आए चमन महके दरुदाते सलामा दे हवावाने पढ़े सहरे दरुदाते सलामा दे करो खुशियाँ गमा दे मारे ओ आया नबी सोहना करो खुशियाँ गमा दे मारे ओ आया नबी सोहना तराने सब पढ़ो मिल के तराने सब पढ़ो मिल के दरुदा दे सलामा दे नबी आए चमन महके दरुदा दे सलामा दे मेरे सरकार देना ते आया सब बहारा ने मेरे सरकार देना ते आया सब बहारा ने फिजावा ने पढ़े नगमे पिजामाने पढ़े नगमे दरुदा ते सलामा दे खुदा खुद भेजिदा महबूब नू तोहफे दरुदा दे खुदा खुद भेज दा महबूब नू हदिये दरुदा दे तुसी भी सब पढ़ो मिलकर तुसी भी सब देओ हदिये दरुदाते सलामा दे कदी सरकार वे तशरीफ ले आ
गे घर तेरे करी सरकार वे तशरीफ लयावन गे घर तेरे सजांदी रो तू गुलदस्ते सजांदी रो तू गुलदस्ते दरुदा ते सलामा दे ओ नालो का दी बख्शिश विच जरा जिन्ना भी शक नहीं ओ ना लोका दी बख्शिश विच जरा जिन्ना भी शक नहीं जिन्ना सोहने तो फुलवारे जिन्ना सोहने तो फुलवारे दरुदा ते सलामा दे जिन्ना सोहने तो फुलवारे दरुदा ते सलामा दे नबी आए चमन महके दरुदा ते सलामा दे सलातो सलाम लेके आप सुन लो वसाबिक या हबीब صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي 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 على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آمين. हमारा पिछली मरतबा का जो टॉपिक था इबादात और बेरूह इबादात, इसको हम समझ रहे थे और पिछले लेक्चर का खुलासा आप लोगों ने सुन लिया। और पिछली दफा हमने जो पढ़ा था, जो भी हमने पॉइंट्स थे उसमें से, वो भी आप लोगों ने देखे। और उसमें हमने कुछ करने के काम जो थे वो सोचे थे कि हम ये काम करेंगे। अपनी कलबी और अपनी रूहानी बीमारियों को हमने ढूंढना था और ढूंढ के हमने उनके ऊपर काम करना शुरू करना था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये काम शुरू किया होगा और यकीनन ये एक सबका बड़ा ही प्राइवेट, बड़ा ही पर्सनल किस्म का काम होता है, इसलिए हम इसको इतना ओपनली डिस्कस भी नहीं करना चाहते। लेकिन अकेले में, तन्हाई में हमें जरूर ये एनालिसिस करना है और हमें इस काम को करने में एक बहुत अच्छी टिप जो हमने सीखी वो ये थी कि हम अपना एक डायरी में लिख लिया करें हर हफ्ते की प्रोग्रेस के पहले, अपनी जो हमारी रूहानी बीमारी है उसकी हम एक लिस्ट बनाएं। जैसे पिछली दफा बात हुई थी गुस्से के ऊपर, गुस्सा है या इबादत में हमसे सुस्ती होती है, या अजगार में सुस्ती होती है, या बदगुमानी बहुत ज्यादा आती है, जो भी बीमारियां हैं इस तरह की रूहानी, उनकी एक लिस्ट बना लें, फिर उनको फोकस करना शुरू करें, फिर हर हफ्ते हम उनकी खुद से मार्किंग करें। तो इससे भी एक बड़ी अच्छी सी ये टिप है और इससे हम बड़ी आसान तरीके से बतदरीज इन चीजों पे काबू पाना शुरू कर देते हैं। और फिर हमें ये भी अंदाजा हो जाता है कि
जो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स थे उसकी वजूहात क्या थी, और कौन सी ऐसी हमारी आदत है जिनकी वजह से हमारा ग्राफ नीचे आता है। जैसे उन्होंने कहा गुस्सा, कुछ लोगों का गुस्सा होता है, कुछ लोगों का खुराक का प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा बाहर से जंक खाने की आदत होती है, तो जब हम बहुत ज्यादा बाहर के खाने खाते हैं तो उससे भी हमारी जो कल्बी कैफियत है वो मुतासर होती है। पकीजा खाने जो बावजूद हाथों के पके हुए तैयब, यानी घर के अंदर के जो खाने हम जब खाते हैं तो उससे हमारी जो कैफियत है वो बड़ी जबरदस्त मेंटेन रहती है। ये सारी की सारी बातें हम खुद से इसके ऊपर मेहनत करते हैं तो खुद से हम इसको इस ग्राफ को ऊपर ले जाने लगते हैं कि इस हफ्ता हमने ज्यादा बाहर का खाया तो इस हफ्ता मेरी जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये बढ़ी है, या बहुत ज्यादा गप्पे लगाने की आदत, बहुत ज्यादा बोलने की आदत, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा गुफ्तगू करने की आदत, उससे भी हमारी कुछ रूहानी बीमारियां जो हैं वो ज्यादा हमें तंग करती हैं, ज्यादा क्या कहना चाहिए कि वो बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीजें हम थोड़ी सी कोशिश से अपने आप पर काबू खुद पा सकते हैं। और नमाज जो है उसके बारे में भी हमने बात की थी कि नमाज कलमा तैयबा पढ़ लेने के बाद, अपनी जात की नफी कर देने के बाद, एक मुसलमान पर सबसे पहला उठ कर करने का जो काम है वो नमाज है। वो नमाज उसने उठ के हर हाल में अदा करनी है, वो फर्ज कर दी गई। अब उसमें भी फिर दो बातें आ गई थी कि अगर आपका जी नहीं भी चाह रहा, इबादत में दिल नहीं भी लग रहा, तो तब भी हमने नमाज क्योंकि फर्ज जान, है ये अगर हमें आप ऐसी सड़कों पर गाड़ी चलानी पड़ जाए अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हमें हो रहा है तो तब भी हमने नमाज पढ़नी ही है, क्योंकि फर्ज इबादात जो है अल्लाह ने फर्ज कर दी, उनकी पाबंदी हमें इधर जो एक बागी हैं जो अल्लाह के नाफरमान है उनकी सफ से निकाल कर कम अज कम फरमा बरदारों की सफ में ले आती है। तो ये सबसे पहला तकाजा है एक मुसलमान के लिए कि वो फरमा बरदारों की सफ में आ जाए और अल्लाह की सरकशी करने वालों की सफ से में मौजूद ना रहे, वहां से निकल जाए। तो ये भी जरूरी है, दिल ना भी चाहे तब भी फर्ज इबादत हमने करनी है, ये फर्ज कर दी गई हमारे लिए। अब हमने अपनी इबादत की रूह को जांचना है, ये देखना है कि मेरी नमाज जो है क्या वो वाकईतन हमें समरात दे रही है। तो उसको जांच का तरीका भी हमें कुरान ही बताता है। कुरान ने कहा है कि इन सलात तनहा अनिल फहशा इवल मुनकर, के नमाज जो है वो बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। और ये भी हमने सेल्फ एनालिसिस खुद करना है कि मेरी कौन कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं मेरे अंदर, ऐसे बेहयाई के कौन कौन से काम मौजूद हैं कि जो 5 नमाजें पढ़ने के बावजूद मैं छोड़ नहीं पाई। अगर तो बहुत सारी ऐसे सिम्टम हमें नजर आते हैं तो फिर ये हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क है, एक लम्हा फिक्रिया है, हमें इस बात पे काम करना है कि हम अपनी नमाज को मजीद बेहतर बनाएं। और क्योंकि जैसे प्यास लगी भी है तो पानी पीना है, तो पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी, ये पानी का अफेक्ट है पीने का। इसी तरह जो कुरान ने असूल बता दिए कि नमाज अगर बुराई और बेहयाई से रोकती है तो वो रोकेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं रोकेगी। अगर नहीं रोक रही तो फिर हमने वजह तलाश करनी है। ये भी पॉइंट है, आप नोट कर लें, ये करने के कामों में से काम है। ये अगली दफा आपको ये सारे करने के काम जो है ये याद रहने चाहिए। और आपकी टिप्स पे हूँ, और रमजान से पहले पहले इंशाल्लाह हम इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर अपनी जात पे काम करके बहुत अच्छा सा इंशाल्लाह रमजान में हम दाखिल होंगे। और उसके बाद फिर अगली बात आ जाती है कि सिला रहमी। सिला रहमी का भी बहुत ही अजर है, और इससे इसका जो समर है वो ये है कि उम्र में बरकत पड़ती है, आपकी उम्र बढ़ती है और मामलात में बहुत बरकत होती है। और लैलतुल कदर में भी वो शख्स जिसने खून के रिश्तों से, रहम के रिश्तों से कता ताल्लुकी की जो बख्शिश की रात है उसमें भी वो शख्स जो है वो महरूम रह जाता है। तो इसके बड़े सख्त अहकाम आते हैं, ये भी करने के कामों में से एक काम है कि इन मुकद्दस रातों को अवेल करने से पहले पहले हम अपने रहम के रिश्तों के लिए अपने दिलों को साफ कर लें और उनके साथ हम सिला रहमी से काम लें। और अल्लाह के जो बंदे हैं अगर उनकी नफरत हमारे दिल है तो ये भी इस चीज की निशानी है कि अभी हम अल्लाह से मोहब्बत में पूरी तरह सरशार नहीं है।
क्योंकि जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत सराइयत कर जाती है, अल्लाह की मोहब्बत जिस दिल में घर कर जाती है, फिर उस शख्स को अल्लाह की मखलूक जो है उससे नफरत नहीं रहती। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कौल कि अल्लाह की मखलूक को बेऐब देखना, वो इसी असूल की एक कड़ी है कि जब मोहब्बत अल्लाह से हो जाए तो फिर अल्लाह की मखलूक के ना ऐब नजर आते हैं, ना उनकी बुराइयां तकलीफ देती हैं, फिर इंसान बेनियाज हो जाता है। और जितना जितना हम अल्लाह से जुड़ते जाते हैं, अल्लाह के कुर्ब को पाते जाते हैं, ऑटोमेटिकली ये बीमारियां हमारे अंदर से निकलती जाती हैं। जैसे बहुत सारी जो सिस्टर्स हैं उनके जो मैसेजेस आते हैं मुझे, उसमें ये होता है कि ये मसला हमसे हल नहीं हो रहा, ये हमारा प्रॉब्लम हमसे हल नहीं, हम ये चाहते हैं ऐसा नहीं हो रहा। तो मैंने पिछली दफा भी इसी बात पे बात की थी कि इतनी आसानी से, जितनी आसानी से मैं और आप हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं और सुन रहे हैं, इन तमाम मराहिल से गुजरना इतना आसान नहीं होता, दिलों को साफ करना आसान नहीं होता, इस पे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और बेनियाजी इतनी आसानी से नहीं आती। जो जो हम अल्लाह से करीब तर होते जाते हैं और अल्लाह का रंग हम पे चढ़ता चला जाता है, तो फिर हमारे अंदर जो है अल्लाह की जो सिफात है उनका जहूर होने लगता है, और अल्लाह की एक सिफत जो है वो बेनियाज होना भी है। फिर जब जब हम अल्लाह के जितना करीब होते हैं, हम अल्लाह ताला हमारे अंदर ये सिफ्त पैदा कर देता है कि जो हमारे अंदर से, ये पिछली दफा ये सवाल था ना कि बदगुमानी नहीं निकलती दिल से मखलूक के लिए, बदगुमानी आ जाती है, तो इसको निकालने का यही तरीका होता है कि हम अल्लाह के कुर्ब में और ज्यादा आगे बढ़ जाएं। जब जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये बहुत ही आहिस्तगी से, खामोशी से ये वाले प्रॉब्लम्स हमारे हल होते चले जाते हैं। अल्लाह की सिफात, अल्लाह की रहमतें हम पे जब जब निछावर होती हैं, तब तब हमारी मानी कैफियत उस जगह पे चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, और हम बेनियाज हो जाते हैं मखलूक से, उन लोगों से जिन्होंने दुख दिया है, हमें याद ही नहीं रहता, हमें नजर ही नहीं आती उनकी बुराइयां। ये कोई हम जानबूझ के नहीं कर रहे होते, ये अल्लाह का इनाम होता है हम पे कि हमें पता ही नहीं चलता, और ये भी एक अल्लाह का इनाम होता है कि हम जो कोई हमारे साथ कुछ कर भी रहा है, हम अच्छा गुमान भी करें, लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि किसी की किसी भी रवैये के ऊपर हमारे अंदर फौरन जो बदगुमानी का जज्बा पैदा होता है, ये हमारे ऊपर से ये चीज हमारे अंदर से अल्लाह ताला खुद ही मिटा देता है। और ये सिफ्त जो है, ये सिर्फ और सिर्फ अजगार बहुत ज्यादा कसरत से जब हम अल्लाह के नाम का जिक्र करते हैं, अल्लाह के सफाती नामों का जिक्र करते हैं, तो ये सिफात जो है हमारे कल्ब में तब पैदा होती है। इसके लिए जहाँ फर्ज इबादात हैं, वहाँ कसरत से जिक्र जो है वो हमारे कल्ब की इस्लाह के लिए बेहद जरूरी है। हमें जिक्र अजकार जो है अल्लाह के सिफाती नाम और अल्लाह का जाती नाम और नफी इस्बात, जिसको कलमा तैयबा कहते हैं, इसका जिक्र जो है हमें कसरत से करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जो अल्लाह ने कहा है कि तुम मुझे याद करो, वज़कुर इस्मा रब्बी का वतबत्तल इलैही तबतीला, ठीक है ना, कि हमें वो तबत्तुल की कैफियत हासिल हो जाए, कि इतना शिद्दत से, इतना अल्लाह की याद में मस्त हो के अल्लाह को हम याद करें, कि हमें वो कहा है ना कि ऐसे याद करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने में, तो वाकई हम दीवानगी की हद में जाके अल्लाह को पुकारें और अल्लाह को याद करें और अल्लाह के नाम को अदा करें, इतनी कसरत से अदा करें कि अल्लाह का रंग हम पे चढ़ जाए। और जब अल्लाह का रंग चढ़ जाता है, तो फिर इन बुराइयों को निकालने के लिए हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती, ये इनाम के तौर पर ही अल्लाह हमारे दिलों से ये बुराइयां दूर कर देता है। ये अल्लाह की रहमत होती है कि ये ऑटोमेटिकली हमारे दिलों से दूर हो जाती है, और फिर हमारे कलूब में हर वक्त जो है वो अल्लाह जो है वो चमचम करता हमें नजर आता है, अल्लाह के नूर की रोशनी जो है वो हमें महसूस होती है, हम अपने कल्ब पे तवज्जो करते हैं तो अल्लाह अल्लाह करता नजर आता है, जिसको कहते हैं ना जाकिरीन का कल्ब, और फिर हमारे सांसों में हर वक्त अल्लाह अल्लाह होने लगती है। तो जब इतनी बड़ी नेमत मिल जाए, तो ये फिर छोटी 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 जो चीजें हैं ये हमें बॉदर ही नहीं करती, हमें महसूस ही नहीं होती, और हमें इनका पता ही नहीं चलता। और इस बात से हमें जो असूल जो मिलता है, हमें तसव्वुफ का जो असूल है वो यही है कि जितनी भी कल्बी बीमारियां हैं उसकी वजह दिल की गफलत और दुनिया की मोहब्बत है। ये भी आप पॉइंट नोट कर लें कि जब तक दिल में दुनिया की मोहब्बत रहेगी,
तब तक ये कलबी बीमारियां मौजूद रहेंगी। और जब दुनिया की मोहब्बत उस वक्त तक दिल में रहती है जब तक दिल में अल्लाह की मोहब्बत घर नहीं पहुंच जाती। अभी तो हमारी जो अल्लाह के साथ मोहब्बत है वो जबरदस्त मानी के किया तो फिर अगले ही दिन भेजता है तो फिर एक झोंका उसका आते लगता है सब कुछ उड़ गया और हम सब पक्के नहीं जाते। नहीं, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, ये शुक्र करना चाहिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कैफियत नसीब होने लग जाए। जब ये कैफियत नसीब होने लगती है 24 घंटे में एक दफा दो दफा ही नसीब होने लगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा कि ये ना हमारे अंदर कायम हो जाएगा, क्योंकि हम चल पड़े अपना कश्तोल लेके अपना कासा लेके जब हम सुबह शाम अल्लाह के आगे खड़े होंगे और उसको पुकारेंगे। और उसको क्या पुकारेंगे, कहेंगे इल्ला अल्लाह, सिर्फ तू अल्लाह, सिर्फ तू अल्लाह, सिर्फ तू। और जब हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के तलबगार बन जाएंगे तो फिर अल्लाह हमारे कुलूब को भी न्याज कर देगा, फिर अल्लाह हमें मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि मिल जाएगा, कहते हैं ना कि अल्लाह को जब तक हम अपनी हाई प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर जिस चीज की ख्वाहिश होती है वही चीज फिर हमें अटा होती है। अगर एक फिर से अगर अपने साल पहले अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में हम लोग चले जाएं तो हम अपने फ्रेंड्स की ग्रुप को भी याद करें और हम देखें तो कोई एक फ्रेंड थी जिसको बहुत शौक था, जो दुनिया में कोई फ्रेंड होती है जिसको बहुत शौक होता है बस बड़ा पैसा, कोई फ्रेंड है जिसको होता है कि नहीं मेरा छोटा सा घर हो और बस मैं ऐसी लाइफ गुजारूँ। पर 20 साल के बाद जब हम उन तमाम फ्रेंड्स को ढूंढे हम उनको देखें तो वो ऑलमोस्ट 70% अपनी जिंदगी के जो उन्होंने ख्वाब देखे होते हैं वो पूरे कर चुके होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने हाई प्रायोरिटी पर जिन लोगों ने ख्वाब देखे वही पूरे करते हैं। कुछ लोग होते हैं बड़े सुस्त से बड़े काल से वो ख्वाब ही नहीं देखते, तो वो बस ऐसे ही जिंदगी के साथ धक्के खाते गुजरते जाते हैं। तो क्या है कि जिन्होंने ख्वाब देखे हैं उनके ख्वाब पूरे होते हैं, चाहे वो ख्वाब दुनिया के लिए देखे जाएं चाहे वो ख्वाब आखिरत के लिए देखे जाएं। ख्वाब जब इंसान देखता है तो फिर उसी ख्वाब को पूरा करने की वो कोशिश भी करता है, और जब वो कोशिश करता है तो मेरा रब ये कहता है कि लैस इंसान इल्ला मा सआ, बंदे को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। और जब हम रब को पाने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारी सारी की सारी जो एफर्ट कह लें, हमारी ख्वाहिशात कह लें, या हमारा एंड जो होता है ना वो अल्लाह हो जाता है, तो फिर अल्लाह हमें मिल जाता है। उसके लिए बस जरूरी यह है कि अपनी जितनी हमने लिस्ट बनाई है उसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट अल्लाह हो। जब टॉप ऑफ द लिस्ट अल्लाह होगा तो फिर अल्लाह हमें मिलेगा। और ये नहीं है कि नहीं मिलता, मिलता है अल्लाह। और अल्लाह जो है वो ऐसे नहीं मिलता कि अल्लाह कहीं बहुत नीचे है और ऊपर और बहुत सारी ख्वाहिशात है। और अल्लाह को के लिए अल्लाह तो कह रहा है कि मुशक्कत करो, मुजाहिदा करो, कोशिश करो, तलाश करो। तो ना तो हम कोशिश कर रहे हैं, ना तलाश कर रहे हैं, ना मुजाहिदा कर रहे हैं। मुजाहिदा लफ्ज को जरा पढ़े ना, जरा सर्च करें कि मुजाहिदे का मतलब क्या होता है, कितनी सख्त एफर्ट इसके लिए करनी पड़ती है। तो वो इतनी सख्त एफर्ट जब हम करेंगे ही नहीं और फिर हम कहेंगे अब हाथ पे हाथ धर के हम बैठे रहे और हम कहें कि हमारा जो है वो रिजल्ट 100% आना चाहिए, तो ऐसे नहीं होता। कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, तन मन धन सब कुछ लगाना पड़ता है। सबसे पहले तो वही बात है कि अपने अंदर जो हमारे अंदर ताबूत बैठा था उसको कान से पकड़ के सीधा करना पड़ता है। हम तो उसके कान तक अपना हमारा हाथ ही नहीं जाता, हम कहते हैं चल कोई नहीं थोड़ा सा योगी आराम ही कर ले, कोई नहीं कोई ख्वाहिशात। तो बस वो जो ख्वाहिशात है वो पूरी करते 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 फिर वही बात आ जाती है कि अल्हा को मुतकास। तो ये असल जो मोमिन है उसके लिए तो दुनिया कैद खाना है, और जो कोई कैद खाने को अपना लग्जरी होम बनाना चाहे तो वो फिर धोखे में है। और दुनिया है धोखा, कहा गया ना कि ये मकड़ी का जाल है, ये धोखा है, ये फरेब है। तो ये वाकयतन ऐसा ही है। कितने लोग थे, कितने उन्होंने टारगेट अपने रखे जिंदगी में और सारे टारगेट अचीव कर लिए और फिर जो कुछ अचीव किया वो इधर ही छोड़ के खाली हाथ वापिस चले गए। खाली हाथ जब वापिस जाना है तो कुछ भी साथ नहीं जाना, कुछ भी साथ नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ वही साथ जाना है जो हमने अल्लाह के लिए किया। अल्लाह के लिए किसी की खिदमत कर दी, अल्लाह के लिए वक्त निकाल लिया, अल्लाह की इबादत के लिए वक्त निकाल लिया, अल्लाह के लिए किसी को माफ कर दिया, अल्लाह के लिए
किसी के लिए हम मुस्कुरा दिए, हमें वो शख्स अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन अल्लाह ने कह दिया मेहमान आ जाए तो तुम उसकी मेजबानी करो, तो सिर्फ अल्लाह के लिए हमने उसकी मेजबानी कर दी। हम बड़े थके हुए थे, हिम्मत ही नहीं थी उसकी मेजबानी करने की, लेकिन वो कि अल्लाह ने कह दिया कि करो। रोजे में है, घर का कोई फर्द बेरोजगार है और वो हमसे खाने की फरमाइश कर रहा है, और बस अल्लाह ने कह दिया रोजा रख के गुस्सा नहीं करना, चुप करके उठे हैं उसकी फरमाइश पूरी कर दी। मतलब अल्लाह के लिए तो सुबह से शाम तक करने के बड़े काम, तो अपने वजूद की नफी तो सुबह से शाम तक हमने करनी है, लेकिन हम नहीं करते हैं। हम बड़ी मोहब्बत से अपने नफ्स को पालते हैं, उसको उसकी मनपसंद गजाएं खिलाते हैं, उससे पूछते हैं, अपने दिल से पूछते हैं आज क्या खाना है, आज क्या पकाना है। तो बस जिसको हम पाल रहे हैं, जिसकी ख्वाहिशात को हम पूरा कर रहे हैं, तो फिर वही वही सच्चा तो करते चलेगा। वो उसने तो हमें काबू किया है, और जिसके हम काबू में फिर हम हमसे वो अपनी बातें भी नहीं मानते, हम उसकी पैरवी में उसकी तबाह में फिर क्या करते हैं कि अपनी जो हकीकत है, जो अपनी असल है, हम उससे गाफिल होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं। जबकि मेरे रब ने तो कह दिया वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदू, और हमने जिन्नो इंस को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। और इबादत जो है, ये हमें पता है कि इबादत सिर्फ और सिर्फ जुबानी कलमात का नाम नहीं है। इबादत तो अपने अंदर इतनी वुसत रखती है, अल्लाह का बंदा बनना आसान नहीं है। अपने वजूद की नफी कर देना, ख्वाहिश नफ्स की नफी कर देना, ये आसान काम नहीं है, और ये एक दो दिन में होने वाला काम भी नहीं है। इसके लिए जहदे मुसलसल चाहिए, मुझे अपनी भी कोशिश, और फिर जो इस रास्ते पे चल रहे हैं उनका साथ, क्योंकि जो इस रास्ते पे चल रहे होते हैं हम देखते हैं वो भी हमारी तरह के मसाइल का शिकार हो रहे होते हैं, उनको देख के भी हमें हिम्मत और हौसला जो है वो हो रहा होता है। और फिर वही बात आ जाती है कि ला उस वक्त तक पक्का नहीं होता जब तक कि हम ख्वाहिश नफ्स पर काबू ना पा लें। तो उसके लिए जो टिप्स हमें बताई जाती हैं वो ये है कि ख्वाहिश को हम जरूरत पर ले आए, और ख्वाहिश जो है हम देखें कि ख्वाहिश नफ्स जो है इससे दो चीजें हमें निकाल सकती हैं। नफ्स की इत्तबा से निकलने के लिए दो चीजें हैं, एक चीज तो ये है खौफ और दूसरी है मोहब्बत। खौफ जो है किसी भी चीज का डर, कानून का खौफ, माँ बाप का खौफ, मजहब का खौफ, ये तमाम खौफ जो है ये हमारे जो नफ्स है उसको उसकी नफी करने के लिए ये सारे खौफ जो है ये जरूरी है। कोई ना कोई खौफ होता है, वरना नफ्स तो इतना जालिम है, इतना जालिम है। आप देखें कि जो नफ्स को बेलगाम छोड़ देते हैं, जो नफ्स को पालते हैं, पनपते हैं, वो नफ्स फिर कैसे उनके सर पे चढ़ के दौड़ता है और कैसे उनको ख्वार करवा देता है। नफ्स की गुलामी में इंसान कहाँ तक चला जाता है। और दूसरी तरफ क्या है कि हमारे ऊपर जब मजहब का, अल्लाह का खौफ आता है हमें, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम नफ्स को, नफ्स की ख्वाहिश को दबाते हैं। नफ्स हमें गुनाह का कहता है और हमें अल्लाह का खौफ होता है। नफ्स हमें बुराई के काम का कहता है, हमें अल्लाह का खौफ होता है। नफ्स हमें हराम माल कमाने का कहता है, सूद में पड़ जाने का कहता है, हमें अल्लाह का खौफ होता है। तो क्या है कि ये खौफ ऐसी चीज है कि जो नफ्स के बढ़े हुए जो कदम है उनको रोकने में मददगार साबित होती है। और दूसरी चीज क्या है जो नफ्स को रोकती है, वो है मोहब्बत। लेकिन जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो इंसान उस मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि वो ये कहता है कि कहते हैं ना मोहब्बत चार लफ्जों से मिलकर बनता है, मीम हे बे और ते। तो मीम से मैं और ते से तुम, फिर मैं और तुम रह जाते हैं और दरमियान में हे और बे हुब, फिर मैं तुम और हुब बस, फिर तीसरा कोई दरमियान में बर्दाश्त नहीं होता, तीसरी सिर्फ और सिर्फ हुब ही होती है, मेरे और तेरे दरमियान सिर्फ और सिर्फ हुब। और ये जो मोहब्बत होती है ये भी नफ्स को क्या करती है, ये भी नफ्स को पछाड़ देती है ना। मोहब्बत में बड़ी कुव्वत होती है, बड़ी कुव्वत होती है। और मोहब्बत अगर मजाजी हो तो ये तब भी क्या कहना चाहिए, आपको रुसवा कर देती है, ये आपको हर चीज से बेनियाज कर देती है। मजाजी मोहब्बत में भी हम देखें ना कैसे कैसे लोग काम कर गुजरते हैं कि जो करने वाले ही नहीं होते, कहाँ तक लोग चले जाते हैं मजाजी मोहब्बत में, अपना कितना नुकसान कर दे बैठते हैं, अपनी इज्जत गवा बैठते हैं, अपनी सेहत गवा बैठते हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा मजाजी मोहब्बत में। और अगर ये मोहब्बत हकीकी हो,
तो फिर तो ये कमाल तक ले जाती है आपको। और अगर ये मोहब्बत हकीकी हो जाए तो फिर इंसान जो है वो बिल्कुल यकसू हो जाता है इस मोहब्बत में। फिर एक मैं रह जाता है और एक मेरा अल्लाह रह जाता है और दरमियान में हुब रह जाती है। फिर सारी की सारी फरमा बरदारी के काम जो है, सारी की सारी इबादात जो है, उनका उनका लुत्फ बदल जाता है, उनका जायका बदल जाता है। फिर नमाज जो है वो फर्ज समझ के नहीं अदा की जाती। फिर नमाज का इसलिए इंतजार होता है कि मेरे रब से मुलाकात हो। फिर नमाज का इसलिए इंतजार होता है कि मेरा मेरी जो जबी है वो मेरे रब के कदमों को छूएगी। क्योंकि नमाज, अल्लाह ने कहा है ना कि जब कोई मोमन सजदा देता है तो उसकी वो ऐसे है कि जब वो सजदे में जाता है तो उसकी जबी, उसका उसकी पेशानी जो है वो मेरे कदमों में होती है। फिर जबी में एक तड़प पैदा होती है, एक शिद्दत पैदा होती है कि मैं भागूं और जाके अपने रब के कदमों में लग जाऊं। और आज आप देखें, आज कितनी 40% जो हमारी ख्वातीन हैं स्पेशली, वो 40s क्रॉस भी नहीं करती और उनकी नमाजों से सजदे गायब हो जाते हैं। ये कितना बड़ा एक हमारे साथ एक चाल ही चली है, मैं तो कहती हूँ शैतान है। कि थोड़ा सा भी कोई सेहत का मसला होता है, आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर सबसे पहले आपको कहेगा कभी आपने सजदा नहीं दे, सजदा नहीं दे। और हम भी डॉक्टर की बात को हरफे आखर समझ के पक्का फैसला कर लेते हैं कि बस ठीक है, हमने सजदा नहीं देना। सजदे के जहाँ इतने सारे तिब्बी फवायद हैं, वो कोई डॉक्टर हमें नहीं बताता कि सजदा निकल जाएगा जिंदगी से तो जिंदगी में कितने मसाइल और पैदा हो जाते हैं सजदे की। कभी आप इसके मेडिकल जो हैं बातें, आप फायदे, मेडिकल फायदे वो आप पढ़े तो आपको अंदाजा हो कि सजदा कितना जरूरी है जिंदगी में। और सबसे पहले आपका सजदा जो है वो निकाल दिया जाता है। और हम भी, हमारे से ये किया है ना साइंस ने, ये किया कि हमारा यकीन हमसे ले लिया है। तो अभी जो इब्तिदा थी बीमारी की, जिसको हम फिजियोथेरापी के जरिए, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के जरिए, अल्लाह से दुआओं के जरिए, कुछ टिप्स के जरिए हम दूर कर सकते थे, हमने क्या किया? हमने डॉक्टर की बात को पल्ले बांध दिया और हमने कहा कि बस ठीक है, मैंने सजदा, मैं तो सजदा नहीं दे सकती, बाकी मैं सारे काम करूंगी। आज 40 साल को छोड़े, आज तो मैं देखती हूँ 25-30 साल की जो खवातीन है वो भी कहती हैं कि हम सजदा नहीं दे सकते, हम तो कुर्सी पे नमाज पढ़ेंगे। आदत पड़ जाती है, नफ्स मोटा होता चला जाता है, खौफ दिलवा देता है कि नहीं तुम सजदा दोगी तो कुछ हो जाएगा। और बहुत सारे काम हम देखते हैं वो करती नजर आएंगी खवातीन, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया। और डॉक्टर ने कितनी क्या कहना चाहिए, शुगर के मरीज को रोज मना करते हैं शुगर नहीं खानी, मोटे मोटापे के मरीज को रोज मना करते हैं ये चीजें आपने नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी, चॉकलेट नहीं खानी। लेकिन आपने कभी किसी मोटे बंदे को आइसक्रीम से रुकते देखा है? कभी चॉकलेट खाने से हम रुके हैं? हम सारा कुछ करते हैं क्योंकि उसमें हमारा नफ्स बड़ा मजे ले रहा है, मनपसंद खुराक होती है। हम कहते हैं चल कोई नहीं, आज चीट डे है, आज हफ्ते में एक दो दफा चीटिंग कर लेनी चाहिए। तो मैदे की बीमारी है तो उसके लिए हमें डॉक्टर ने कहा मिर्ची नहीं खानी, तो हम मजे के स्पाइसी खाने जो है ना वो हफ्ते में एक दो दफा तो खा ही लेते हैं, अगर परहेज करेंगे तो चलो ये 1 महीना कर लिया। अब क्या है कि ये जो सजदे का परहेज है ये तो हम सारी जिंदगी कर लेते हैं ना, इसको तो हमने पल्ले से बांध लिया। अगर डॉक्टर ने कह दिया अब मेरे घुटनों में भी दर्द है, अब मेरी कमर में भी दर्द है, अब उसके लिए हमने ये नहीं करना कि चलो कुछ दिन छोड़ दिया, कुछ नमाजों का दे लिया, नमाज में कुछ एक सजदा दो सजदा देने शुरू करूँ, एक्सरसाइज शुरू करूँ, कुछ टिप्स देखूँ, कुछ फिजियोथेरापी देखूँ, कुछ ऐसी एक्सरसाइज करूँ जिससे ये मेरी जो प्रॉब्लम है ये बेहतर हो जाए, ऐसे कभी एफर्ट करते, भाग दौड़ करते, हमें खुद खाली नजर नहीं आएगी। नहीं नजर आती ना, बताएं मुझे, ऐसे कोई भाग दौड़ करता नजर आता है कि मेरे सजदेदार निकले? हम कहते हैं नहीं कोई नहीं, नमाज तो हो जाती है बस ठीक है। तो क्या है कि ये भी नफ्स आसानियों की आदत डालता है। नफ्स कहता है कि देखो हमारी कुरान की आयतें, हमारी हदीस लेके आता है। नफ्स कहता है अल्लाह ने कहा दीन में आसानी पैदा करो तो बस ठीक है ना, नमाज तो हो रही है ना तो बस ठीक है, हम पढ़ लेंगे नमाज। तो आज से 20 साल पहले का हरम आप देखें तो वहां कोई कोई वो तुर्क खवातीन हमें नजर आती थी जो सीढ़ियों में बैठी नमाज पढ़ रही होती थी। तो आज का हरम हम देखते हैं तो बाकायदा हर तरफ हमें कुर्सियां नजर आती हैं, कुर्सियों के बाकायदा स्टैंड बन गए इन तकरीबन इन 15-20 साल में ये सब कुछ हुआ है। ये सारी की सारी तब्दीली अभी रिसेंटली है, ये कोई पुरानी तब्दीली नहीं है। तो क्या है कि जिधर से शैतान हमें डरा दे,
खौफ दिला दे, नफ्स उसी पे हमें धमकाता रहता है धमकाता रहता है, और हम धमकते रहते हैं। हम में वो जो ईमानी कुव्वत है ना, वो जो है कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। वो जो कुव्वत इश्क है वो कहीं चली गई हमारी, वो है ही नहीं, वो सो गई कहीं। और आज तो इबादत हमारी जो है, वो कहते हैं ना कि जब तक इबादत की मुशक्कत में लज्जत ना आए, ठीक है, बात को जरा समझें कि इबादत हम करें जो उसमें मुशक्कत है, उसमें लज्जत आने लगे, तो समझ लो कि हमारा ईमान जो है वो दुरुस्त सिमत में जा रहा है। और अगर हम इबादत कर रहे हैं और बोझ समझ के कर रहे हैं, उसमें कोई लज्जत हमें नहीं आ रही और हम उसको बोझ समझ रहे हैं और मुसीबत समझ के कर रहे हैं कि बस अल्लाह ने फर्ज कर दी करनी है, हाय हाय एक नमाज खत्म करो दूसरी का टाइम आ जाता है, हाय ईशा की नमाज इतनी लंबी मैं तो बस 5 रखते ही पढ़ लूं तो काम खत्म हो जाए, जब ये वाला अंदाज हो तो उस वक्त भी हमें देख लेना चाहिए कि हमारा ईमान कहाँ पर खड़ा है। तो ये अपना अपना जो चेक है ये हमने खुद रखना है, ये कोई नहीं हमें रख के देगा, किसी को हमारी फिक्र नहीं है, हमें अपने ईमान की खुद फिक्र करनी है। हम जो दुनिया में आए हैं कुछ मुकर्रा वक्त के लिए, अल्लाह ने कहा ना मुकर्रा वक्त के लिए, ये थोड़ा सा वक्त है, ये ठहरने की जगह, ये जी लगाने की जगह नहीं है, ये नफ्स को पालने की जगह नहीं है, यहाँ रब को राजी करने की जगह है, और ये इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जिंदगी देखें तो उसमें हमें सवाई मुशक्कत के कुछ नजर नहीं आता, सवाई मुशक्कत के सारा दिन काम, तबलीग के काम, दीन के काम, मुलाकातें, और इसके बावजूद इखलाक इतना जबरदस्त, चेहरा हर वक्त मुस्कुराता है, जिस जो मिलता वही गर्विदा हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है रातों को इबादत, अल्लाह कहता है जब आप लेट गए हैं रात को आराम फरमा रहे हैं तो अल्लाह क्या कहता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला क़लीला निसफ़हु अव इन्कुस मिन्हु क़लीला, कि उठो काम करो। तो क्या है कि उनको कहा जा रहा है कि जिनकी जिंदगी का एक एक सांस जो है वो मुशक्कत में गुजर रहा है, उनको कहा जा रहा है कब उठो और मेरी इबादत के लिए उठ खड़े हो जाओ रात को। और फिर कहा जा रहा है वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल तब्तीला, कि इस तरह मेरा जिक्र करो उसमें तुम्हें तबत्तुल मिल जाए। तो मतलब मोमिन जो है उसकी तो दौड़ है जिंदगी, वो तो भागता है, उसके पास तो टाइम ही कम है, उसको तो करने के बड़े काम है, और हम इतने चिल रहे हैं इतने चिल रहे हैं कि हमें तो लगता है हम तो सारे ही काम मुकाई बैठे हैं और शिकवे शिकवे लेके बैठे हैं कि हमारी जिंदगी में ये मसाइल हैं, ये मसाइल जो है ये हमने हल करने हैं। तो अभी हम बात ये कर रहे थे कि ख्वाहिशे नफ्स से हमें दो चीजें निकालती हैं, एक चीज पहली चीज आ गई खौफ और दूसरी चीज आ गई मोहब्बत। एक तो डर होगा खौफ होगा तो हमारी जो नफ्स है वो थोड़ा कमजोर पड़ेगा, और दूसरी चीज होगी मोहब्बत, और मोहब्बत की भी शिद्दत। जब जब मोहब्बत की शिद्दत आती जाती है तब तब आप देखें कि अमल करना आसान हो जाता है। जब कोई बंदा शदीद मोहब्बत में होता है, वो बीमार भी हो उसको कोई प्रॉब्लम भी हो, तो वो क्या कहता है कि नहीं 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 मैं खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा भाई, मैं ठीक हूँ। और फिर वो क्या है कि सजदा भी वो कहेगा कि मेरे से नहीं झुका जा रहा नहीं दिया जा रहा, अच्छा चलो मैं फर्ज नमाज से तो सजदे दे लूँ, चलो सुनतों के मैं इशारे से दे दूंगा। तो मतलब वो हर वक्त एफर्ट में रहेगा एफर्ट में रहेगा, और फिर आप देखें कि ऐसे होता चला जाता है, ऐसे होता चला जाता है कि आपके मसल्स जो हैं जब आप उनको एक खास अंदाज में मूवमेंट देना बिल्कुल छोड़ देते हैं, आप झुकना बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो वो उल्टा आपके लिए नुकसानदेह हो जाते हैं, वो वहां स्टक हो जाते हैं। तो इसको इंसान की बॉडी को अल्लाह ने बनाया ही ऐसा कि इसको जब जब हम जिस तरफ लगाते जाएंगे जिस मूवमेंट में रखते जाएंगे ये उस मूवमेंट में बेहतर होती जाएगी, और जिधर जिस मूवमेंट को हम छोड़ देंगे ये उस मूवमेंट में फिर जो है उधर स्टक होती जाएगी। और ये काम मशक्कत का काम जो है ये सिर्फ मोहब्बत में होता है। आप देखें कि माँ से ज्यादा अपने बच्चे से कौन प्यार करता है, और माँ कितनी मशक्कत सहती है कितनी स्ट्रगल सहती है, सब कुछ खुशी खुशी बर्दाश्त करती है, किसके लिए, अपने बच्चे के लिए, उस मोहब्बत में करती है। और फिर मोहब्बत में जो भी मुश्किल से मुश्किल काम है कोई भी शख्स वैसे ना कर सके, लेकिन मोहब्बत में आप देखें कि वो अगर वो मोहब्बत में मुबतला है तो जो जो उसका महबूब है वो उससे कैसे कैसे काम जो है वो करवा लेता है। तो मोहब्बत ही अमल को बदलती है, और जब ये मोहब्बत खालिस हो जाए मजाजी से निकल के हकीकी में चली जाए तो फिर ये मोहब्बत जो है फिर इसमें रातें छोटी लगने लगती हैं, फिर इसमें
क्या है कि आप अगर आधी रात को भी सोए हैं, 15 मिनट भी सोए हैं, तो वो 15-20 मिनट की, आधे घंटे की नींद भी आपको इतनी एनर्जी दे देती है, इतनी बरकत दे देती है कि आपको उठ के अल्लाह के आगे खड़े होना फिर मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि मोहब्बत होती है ना। और जब मोहब्बत उस लेवल पर नहीं होती तो फिर आरामदेह बिस्तर आपको बहुत मजे के लगते हैं, और हम कहते हैं कि बस ठीक है कोई नहीं, अभी फजर के भी तुलू होने में बड़ा टाइम है, उठ के आराम से पढ़ लेंगे, कोई नहीं, सूरज निकल भी आया तो सुनते कजा तो नहीं होनी ना, उठ के पढ़ लेंगे, बस जिस्म में बड़ी दर्द है, उठा नहीं जा रहा तो सो जाते हैं। तो मतलब क्या है कि नफ्स जो है वो हमें डराता है, खौफजदा करता रहता है कि उठ जाओगे तो ये दर्दें हो जाएंगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन जब मोहब्बत होती है तो फिर नफ्स जो है उसकी हम एक भी नहीं सुनते और हम उठ खड़े होते हैं। तो ये अल्लाह करीम सच्ची और सुच्ची मोहब्बत जो है वो हम सबको नसीब करे। और ये उसी वक्त नसीब होता है जब हम अपने आप को पहचान लें। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं तो हमें नफ्स के हमलों की पहचान हो जाती है। जब नफ्स के हमलों को हम पहचानने लगते हैं तो फिर हमें उन हमलों से बचने का तरीका भी आ जाता है कि हमने इनसे बचना कैसे, हमें पता चलने लग जाता है कि ये अब नफ्स मुझ पे गालिब आ रहा है और मैं चौकन्नी हो जाऊं, और फिर हमें चौकन्ने होना आ जाता है, हमें नफ्स को की गर्दन को दबाना आ जाता है, और अल्लाह हमें वो ईमानी कुव्वत अता फरमाए कि हम अपने नफ्स की जो गर्दन है उसको हर वक्त अपने ही हाथों में रखें और उसको अपने ऊपर गालिब ना आने दें। और नफ्स जो है उसकी जबिल्लत को अगर हम देखें तो उसकी जबिल्लत दो बातों पर है, एक बात जो है उसकी वो शहवत है और दूसरी कुव्वत है। नफ्स की दो ख्वाहिशात है, वो हर वक्त लज्जत चाहता है, मजा चाहता है हर वक्त, और दूसरा क्या है कि वो ताकत चाहता है। और उसके लिए फिर वो अपनी मनमानी करता है, करवाता है अपनी मनमानी। और वो बंदा मोमिन को जब अमली तौर पर अतात में देखता है और उसको नहीं रोक सकता तो फिर वो क्या करता है, फिर वो अब वो कहता है कि ये तो अभी इबादत से बंदा नहीं रुक रहा, ये इबादत तो करेगा ही करेगा, तो फिर उसका अगला हमला क्या होता है कि वो इबादत से रूह खींच लेता है। इबादत की रूह कैसे खींची जाती है कि इबादत तो हो रही है लेकिन उसका जो समर हमें मिलना था वो नहीं मिलता, बेसमर हो जाती है इबादत। तो वो अभी हम उसको हम पढ़ के हटे हैं, पूरी डिटेल के साथ हमने जाना है कि समर नहीं मिल रहा इबादत का, ये हमने चेक कैसे करना है। अगर इबादत हमारी रूटीन में, हमारी कल्बी कैफियत में तब्दीली नहीं ला रही तो इट मींस कि हमें इबादत का समर नहीं मिल रहा। अगर इबादत करने के बावजूद हमारी बुराइयां दूर नहीं हो रही तो फिर इसका मतलब है हमें उसका समर नहीं मिल रहा। और अगर हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो और स्ट्रांग होती जा रही है तो इसका मतलब है कि अभी हमें और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और अगर इबादत हम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा भी हो रहा है, लेकिन क्या है कि इसके बावजूद दिल को करार नहीं है, एक ये कैफियत भी आती है कि दिल को करार नहीं है, ख्वाब बड़े बुरे बुरे आ रहे हैं, दिल बेचैन है, इबादत भी हो रही है, नमाजें भी हो रही है, तो ये क्या वजह है। तो इसकी वजह जो है वो भी यही होती है कि कुछ ऐसा हमारे अंदर मौजूद होता है जंग लगा हुआ जिसको साफ करने के लिए मजीद मेहनत दरकार होती है। तो वो फिर वही वाली बात आ गई, मुजाहिदा मुसलसल जद्दोजहद, तो उसके लिए हमें मजीद मेहनत करनी है। ये ऐसा नहीं है कि हमने आज पढ़ लिया और कल हम सुधर जाएंगे, ये इसको इस नफ्स को सुधारने में बड़ा टाइम लगता है, बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है और मुसलसल कोशिश करनी पड़ती है। ये हर लम्हा में गाफिल करता है, हर लम्हा में भटकाता है, फुसलाता है इधर उधर। वो शैतान ने कहा था ना, मैं आगे से आऊंगा, मैं पीछे से आऊंगा, मैं साइडों से आऊंगा, तो वो हर तरफ से आता है। और मेरे रब ने कहा था कि जो मेरा बंदा है, तो अल्लाह ताला जो है हमें अपने बंदों में शामिल कर ले कि जिनके बारे में हमारे रब ने कहा कि जो मेरा बंदा है वो इसके बहकावे में नहीं आता, और जो रब का बंदा है उसको सब पता चल रहा होता है कि ये अब मैं हमारे ऊपर जो है ये काबू पाने की कोशिश कर रहा है, तो वो फिर इससे निकल जाता है। और अगर इबादत से रूह निकल जाए तो फिर इबादत जो वो सिर्फ और सिर्फ उठक बैठक ही रह जाती है, उसके जो समरात हमें मिलने थे जिस मकसद के लिए हमने वो इबादत की थी वो हमें नहीं मिलते।
और मेरे रब का ये एजाज है कि जब हम रब के लिए थोड़ी सी अपनी नीयत को दुरुस्त करके खौफ से ही उसके आगे जाते हैं, बार बार जाते हैं, पांच नमाजें पढ़ते हैं, और पांच नमाजों में आप देखें कितने सजदे हम करते हैं, और हर सजदे में हम महसूस करते हैं कि हमारा हमारी जो पेशानी है वो रब के कदमों के ऊपर है। तो इतनी दफा जब रब का कुर्ब हम पाते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगता है, और अल्लाह जब हमसे मोहब्बत करने लगता है तो फिर हमारे दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अब इस चीज को समझ लें, हमारा काम क्या था? खुलूस नीयत के साथ इबादत करना। जब हम खुलूस नीयत के साथ इबादत करते हैं, जैसा कि इबादत के बारे में हमें बताया गया कि ये जाहरी जो इसके फराइज है उसको सर अंजाम देते हुए खुलूस नीयत के साथ, तवज्जो के साथ हमने करनी, इरादे के साथ, तो उसका समर ये मिलना है कि वो इबादत मकबूल हो जाती है। और उसकी मकबूलियत का हमें कैसे पता चलता है? कि हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत जो है वो मोजज़न हो जाती है। हम जब फिर हमें इबादत के औकात का इंतजार रहने लगता है, हम भागते हैं इबादत के लिए, हम दौड़ते हैं इबादत के लिए, तो जब ये कैफियत पैदा हो जाती है तो फिर हमें पता चल जाता है कि हमारी इबादतें मकबूल हो गई। क्यों? क्योंकि हमारा दिल बदल गया। ये हमने नहीं बदला, ये रब की रहमत ने बदल दिया, दिल उसने कबूल कर लिया कि ये पांच टाइम आती है बंदी और मेरे कदमों में जो है अपना सर रख देती है, और वो कुर्ब के लम्हे, वो लम्हे हमें हमारी जिंदगियों को बदल देते हैं। और अल्लाह ताला हम सबकी नमाजों में, मैं कहती हूँ जो इस जहां से रुखसत होने की आखिरी नमाज है उस नमाज में भी मेरा मालिक हमें सजदे की तौफीक दे। अल्लाह कभी 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 हमारी नमाजों से अल्लाह कोई ऐसी कोताही ना हो जाए कि हमारी नमाजों से हमारे सजदे छिन जाए। हमें हिम्मत दिए रखना, तौफीक दिए रखना कि हम तेरे कदमों में पांच टाइम अपनी पेशानी जो है वो रखते रहें और तुझसे मांगते रहें, और तू अता करता रहे। वो तो अता ही अता है, वो तो रब है, उसी ने देना है। और फिर वो मोहब्बत करने लगता है अपने बंदों से, और जिससे मेरा रब मोहब्बत करने लगता है फिर उसकी मोहब्बत जो है उस बंदे में नजर आने लगती है। वो बंदा बदल जाता है, उसका पहले अंदर बदलता है फिर बाहर बदलता है। और जब तब्दीली अंदर से आती है तो फिर इंसान में एक बेनियाजी पैदा हो जाती है, किससे? जहान वालों से। फिर तांग जो है लग जाती है, किसकी? रब की तांग लग जाती है। फिर इंसान ढूंढता है ऐसे काम जिन कामों को करने से रब राजी हो जाए, हर वो काम जो रब की रजा के लिए किया जाए वही इबादत है। एक हाउस वाइफ जो है वो सारा दिन घर के काम करती है, किस लिए करती है? कि अल्लाह ने कहा है कि तुमने ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से अदा करनी है। तो वो जो सारी की सारी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से अदा कर रही है तो इसके ऊपर भी उसको इबादत का सवाब मिल रहा है, और अपने दिल ही दिल में अपने रब को याद कर रही है, खुलूस नीयत से काम कर रही है, अपने शौहर को देख के मुस्कुरा देना इसके ऊपर भी कितना अजर और सवाब है। तो हर चीज जो हम रब की रजा के लिए करते हैं, क्योंकि फिर बदले की तमन्ना नहीं रहती। जब मतमय नजर रब की जात हो जाती है तो फिर दुनिया से बदले की तमन्ना नहीं रहती, और इंसान बेलॉस होके काम करता है। फिर ये नहीं होता कि मैंने इतना किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, मैंने तो इतना कुछ कर दिया, मैंने तो इतनी मोहब्बत दी अपने शोहर को, उसने मुझे कुछ नहीं, तो उसके लिए की थी, जिसके नाम पे हासिल किया, जिसके नाम पे ये रिश्ता बना उसके लिए किया ना, तो समर तो वो रब देगा और वो रब देता है। सबर नहीं है हम बेसब्रे हो जाते हैं, हम सारा कुछ फौरन चाहते हैं, हम सारे नताइज अभी कभी चाहते हैं, ऐसा नहीं होता, बड़े सबर के साथ चलना पड़ता है। और अल्लाह कहता है ना, वस्ताइनो बिसबरी वस्सला, सबर करो, नमाज पढ़ो, नमाज को कायम करना, नमाज के साथ साथ क्या है, सबर को पकड़े रखना, क्योंकि ये आसान काम नहीं है, ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल रास्ता है। अगर इतना आसान होता तो फिर तो क्या कहना चाहिए, ये कहा ही ना जाता। कुरान ने कह दिया ना कि ये मुश्किल है, मगर उन लोगों के लिए नहीं जो डरने वाले, जो खाशीन है, जो अल्लाह की खशियत रखने वाले, उनके लिए ये मुश्किल नहीं है, उनके लिए फिर अल्लाह करीम जो है वो इसको आसान कर देते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि इबादत जो है वो रब के साथ कल्बी ताल्लुक कायम किए बिना वो इबादत बेरूह है। जब कल्बी ताल्लुक कायम हो गया तो फिर इबादत जो है वो रूह वाली जो इबादत है उसके समरात होते हैं। उसके समरात क्या होते हैं वो भी हमने देख लिया कि उसके समरात हमें क्या मिलते हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें जो है वो
नोट करने की हैं, वो जानने की हैं, और हर चीज जो है ये बेस करती है उन तालीमात पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, और उन तालीमात को जानना, उनको हासिल करना, ये हम सब पर फर्ज है। कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ना, उसको सही मफहूम के साथ उसको पढ़ना, उसके ऊपर रिसर्च करना, उसको मुख्तलिफ, जो अब हम तो अहले जुबान नहीं है तो हमारे पास तो मुख्तलिफ तराजुम आए हैं, हमारे पास मुख्तलिफ उलमाए किराम आए हैं, तो उनको हर तरह से तहकीक के अंदाज में उसको पढ़ना, उसको जानने की कोशिश करना, खुले दिल के साथ अल्लाह से दुआएं मांगते हुए कि अल्लाह या का नाबुद हुआ या का नस्ताइन एहदिनस सिराते मुस्तकीम, हर वक्त अल्लाह से दुआएं मांगे कि अल्लाह गुमराही से बचा लेना, सीधे रास्ते पे रखना। और फिर अल्लाह ताला ये जो अल्लाह ने अपने हबीब मुकर्रम हमें भेजे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत और फिर आपके अकवाल से मोहब्बत, ये सब की सब चीजें एक ईमान को कामिल करने के लिए बेहद जरूरी है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना, मंजलल्लाहु अलैकल किताबा वल हिकमा, और हमने नाजिल की आप पर किताब वल हिकमा और हिकमत, व अल्लमाका मा लम तकुन तालम, और आपको वो कुछ सिखा दिया जो कि आप नहीं जानते थे, व काना फजलुल्लाहि अलैका अजीमा, ये अल्लाह का आप पर बहुत बड़ा फजल है। और अब इस आयत से हमें क्या पता चल रहा है कि अल्लाह ने आपको एक तो किताब नाजिल की और इसके साथ साथ हिकमत, यानी सिर्फ किताब के साथ गुजारा नहीं होगा, जो जो हजूर का अमल है, जो जो हजूर के पास आपने अल्फाज अदा किए, वो सारे के सारे लेकर के चलना है, सिर्फ एक चीज को पकड़ लिया और एक को छोड़ लिया ऐसा नहीं है, ये पूरे का पूरा पैकेज हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं बोलते, इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, मगर जो वही ने की जाती। तो इससे हमें क्या पता चला कि आका अलैहिस्सलाम के जो भी अल्फाज आपकी जुबान से निकलते हैं वो अपनी ख्वाहिश के ताबे नहीं होते, वो अल्लाह की तरफ से उनको वही की जाती है। तो गोया इससे हमें अहदीस की जो अहमियत है वो समझ में आती है कि अहदीस की कितनी अहमियत है, अहदीस के बारे में जानना और अहदीस को समझ के अपनी जात पे वो तमाम असूलों कवानीन को राइज करना कि जो आका अलैहिस्सलाम हमें अपनी तालीमात में दे गए। और अब हमारा जो वक्त है मैं देख रही हूँ कि खत्म हो रहा है, बिल्कुल बस इन्हीं जो आज का जो लेक्चर था उसमें यही बात हमने समझी और समझने की कोशिश की, अल्लाह ताला इसको हमारे अमल में उतार दे कि इबादत जो है वो मोहब्बत के बगैर काबिले कबूल नहीं है, और मोहब्बत, और मोहब्बत से जब हम इबादत करते हैं तो फिर रब भी हमसे मोहब्बत करने लगता है, और फिर उस इबादत के समरात हमें मिलने लगते हैं, और वो समरात क्या है वो भी हमने यहाँ पर सारे के सारे बयान किया। और इस सारी की सारी जो दीन है, हमारा मजहब है, हमारा इस्लाम है, इसका जो सारे का सारा पैगाम है वो अल्लाह की फरमाबरदारी और अल्लाह की जो अबदियत है उसमें पूरे के पूरे जो है वो हमने इन्वॉल्व हो जाना है, उसमें पूरे के पूरे दाखिल हो जाना है, और इसके लिए हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से जुड़ना पड़ता है, और आप ही की वो जात है जिनसे जुड़ कर हम ये तमाम समरात पा सकते हैं। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से हमारे दिली उल्फत और दिली मोहब्बत नहीं होगी, एहतराम नहीं होगा, उनका उनका अदब नहीं होगा, उस वक्त तक क्या है कि ये सारे के सारा जो दीन की हकीकी रूह है वो हमारे अंदर नहीं उतर सकेगी। दीन की हकीकी रूह उतरने उतारने के लिए जो ताल्लुक रसूल है उस पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उस पे हमें काम करना पड़ेगा। अदब रसूल जो है वो बेहद जरूरी चीज है, अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेहनत करनी पड़ेगी। और जब ये सारी की सारी जो पूरा एक पैकेज है, पूरा एक लाहे अमल है जिसके अंदर हमने इन्वॉल्व होना है, और इन्वॉल्व होने के बाद अपनी जात की नफी करनी, और फिर अपनी जात कि जब हम नफी करेंगे तो तभी ला कायम होगा, और जब ला कायम हो जाता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रह जाता है, और जहाँ अल्लाह रह जाता है वहां पर ही फिर क्या है कि अल्लाह की रहमतें होती हैं, अल्लाह की नेमतें जिस दिल को मुयस्सर आ जाए वो दिल फिर अल्लाह कहता है ना कि फिर वो मेरे बंदे, फिर जब वो अल्लाह के बंदे बन जाते हैं तो फिर अल्लाह
उन बंदों की हिफाजत करता है। फिर अल्लाह क्या कहते हैं, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर अल्लाह उनको खौफ से और गम से और दुख से निकाल लेता है। और असल चीज, असल हमारी कामयाबी यही है कि हम अल्लाह के बंदों में शामिल हो जाएं। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह कहता है ना कि जो मेरे बंदे हैं, फिर उनको तो वापसी का बुलावा भी इतना खूबसूरत आ रहा है, फिर मौत का खौफ नहीं रहता, फिर चुपके चुपके हम मौत का इंतजार करने लगते हैं कि कब बुलावा आएगा, कब फरिश्ता आके हमें ये बात कहेगा, और कब हम ये बुलावे के लफ्ज सुनेंगे कि फदखुली फी इबादी, कब वो हमारा रब हमें कह देगा कि आ जा मेरे बंदों में, आ जा मेरी जन्नतों में दाखिल हो जा। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको इस रमजान अल मुबारक में अपनी अबदियत का वो लुत्फ दे दे, अपनी अबदियत की वो लज्जत और वो चाशनी दे दे, जिसका समर जो है वो सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ जो है अल्लाह की जात है, अल्लाह का महबूब अलैहि सलातो वस्सलाम की मोहब्बत की सूरत में हमें मिलता है। और यही नेमत है और यही फैज है और यही यही हमारा मतमय नजर है और यही दुनिया में आने का मकसद है। हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी अब दुआ